अहे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ की कृपा से हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली में भी सब अच्छे हैं, चकाचक हैं। तो चलिए पूजा वगैरह सब हो गया, अभी किचन में घुसते हैं। बाहर तो माँ अभी कटिंग कर रही है, दिखाऊंगी आपको मैं थोड़ी किचन का थोड़ा काम करती हूँ, उसके बाद आपको मैं मिलाऊंगी, दिखा दूंगी आपको। नहाने के बाद ही मुझे किचन में घुसना होता है। चावल को बैठा रही थी, चावल धो कर बैठाने वाली थी, चावल भी चढ़ा दी गैस के ऊपर, और इधर चाय बना रही थी माँ, बोली बागान में थी माँ ना, बोली थोड़ा सा चाय दो, मैं अच्छा नहीं लग रहा है आज। वैसे भी मुझे सुबह बहुत ही भूख लग रहा था, बहुत ही भूख लग रहा था, तो माँ के लिए चाय बनाई तो मेरे लिए भी थोड़ा मैं बनाई। और इधर प्रेशर कुकर को, जो कुकर है ना, कुकर को मैं ला रही थी, इधर दूध को भी छान रही थी। कुकर को मैं, कुकर के अंदर हमारा अरबी पत्ते की साग बनाने वाली थी, कुकर के अंदर दे दूँगी तो सीज जाएगा, और अरबी पत्ते को सीझा कर लहसुन और हरी मिर्ची के साथ छौंक लगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत दिन हो गया नहीं करी थी, तो आज मैं बनाई थी। मैं सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ आगे मैं बताऊँ। तो ये देखिए, माँ को भी चाय दे दी, मैं भी थोड़ा पी ली, उधर भाजी बना रही थी, और उधर हम हमारा सिंधिया सिवैया जो सिवैया को फ्राई करके रख, फ्राई करके रख मैं रखती हूँ हमेशा, तो आज फ्राई कर रही थी, तो इधर भाजी बन रहा था, तो फल भी थोड़ा सब दे रही थी, और इधर फ्राई भी कर रही थी हमारा सिवैया को। एक केजी जैसा सिवैया था तो फ्राई नहीं हुआ था, तो मैं सोची चलो फ्राई भी कर दूँगी इधर, और इधर खाना भी बनाऊँगी। तो ये देखिए भून रही थी, और इधर भज्जी हो रहा था, तंदूर भिंडी और बरबटी मिलाकर। बागान से बहुत कम कम मिल रहा, मतलब जो कुछ होगा उतना खा लेंगे। तो देखिए बागान में माँ साफ कर रही है, देख लीजिए इधर। हाँ, इधर बहुत घास हो गया था, तो माँ अभी साफ कर रही है, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। माँ इधर साफ नहीं कर रही है, मुझे मिट्टी की जो घास वगैरह था बड़ा हो क्लीन कर दी है। देखिए बैंगन लेकर आई है, बैंगन लेकर आई है, बैंगन इसको सब्जी बनाना है। और ये देखिए हमारा सिवैया के उपमा बना रही थी, प्याज डालती हूँ, प्याज हरा मिर्ची और कड़ी पत्ता डालकर उसको मैं बनाई हमारा सिवैया उपमा। वैसे भी माँ का तो डायबिटीज है, इसीलिए चीनी नहीं खाएगी, इसलिए ये उपमा बनाई। और ये मिक्स वेज सब्जी बनाई थी, उस दिन सब्जी लेकर आई थी मार्केट से, मिक्स वेज सब्जी ही बना रही थी। और इस बनाते बनाते मेरा वही काम है, पैंट शर्ट को साफ कर दी हूँ, और बेडशीट वगैरह था, और हमारा सोफा कवर को भी साफ कर दी हूँ। वही बात मैं बोल रही थी, मैं हमेशा दिखाने के लिए बोलती हूँ, जो अरबी पत्ते की आज साग बनाई थी, और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। क्या करें ना, अरबी पत्ते को कट करके उसको धुल दी, धुलने के बाद हमारा कुकर में डाल दे दी, दो तीन सीटी आने के लिए दे दी हूँ, नमक थोड़ा दी, पानी भी अपने हिसाब से दी, ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत पानी हो जाएगा और कम तो जल जाएगा, इसीलिए मीडियम साइज़ का मैं पानी लेकर दी। लेकिन
अच्छी तरह से सीज गया और बहुत एकदम पेस्ट जैसा हो गया। हमारा जो मेहंदी लगाते हैं मेहंदी की जैसे पेस्ट होता है उसी टाइप का हो जाता है। तो कभी भी बना कर खाओ बहुत टेस्ट लगता है। ये उड़ीसा में बहुत खाते हैं इस टाइप का। वैसे तो अरबी पत्ते की जो हम पकौड़ा बनाकर भी खाते हैं लेकिन इस टाइप का साग बनाकर खा भी तभी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था साफ करने के लिए, इसीलिए जो हमारा बहुत कम टाइम में ही हो गया एक छोटा वाला बेड थी, सिंगल बेड का बेडशीट और पीला कवर और हमारा क्या बोले सफा कवर, उसको सब ला लेकर मैं आ गई। और सब पूरी मेरे जो डेली वेयर वाला कपड़ा है उसको भी साफ करी और ज़्यादा क्लीन करती हूँ मैं, ऐसे ही करती हूँ हमेशा। मतलब बार बार मैं कह रही थी कहीं हूँ कि नहीं, मैं मेरा काम ऐसा होता है मैं खाना बनाऊँ उसी टाइम साफ सुथरा भी होगा, लेकिन मेरा नहाने का काम बहुत जल्दी होना चाहिए, नहीं तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। मैं जितने जल्दी नहा दो पूजा को मुझे उतना अच्छा लगता है। तो ये देखिए कपड़े को तो इधर है हमारा अल्मीनियम तार है, उस तार की तार में ही सुखा रही थी और जो सफा कवर वगैरह दूसरी जगह पर हम सुखा दी तो सूख भी गया। जितना तेज़ धूप था ना मतलब सूख गया और वो बहुत तेज़ धूप था, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। और ये जो नैपकिन वगैरह था उसको भी साफ कर दी हूँ, सूख जाएगा, बहुत दिन हो गया नहीं हुआ था और आज बहुत तेज़ धूप भी हुआ तो धूप की वजह से ही सूख गया। और आज तो बिल्कुल भी बारिश नहीं था, इतना तो बारिश ही नहीं था। मैं सोची जो धान को थोड़ा सूखा दूँ, सूखाने के बाद उसको पीसने के लिए भेज दूँगी। हमारा जो देवर है देवर आएंगे तो उनके पास क्या वो लेकर जाकर मिल में पीस के ले आएंगे। तो इधर मैं सोची छत के ऊपर दे दूंगी इस धान को सुखाने के लिए। थोड़ा सा धान को सुखा कर पीसा तो उसका जो चावल ना बहुत ही अच्छा चावल मिलता है। ये धान को थोड़ा सा धूप लगा कर रख दी हूँ और जो देवर आएंगे तो लेकर जाएंगे, तो इसलिए मैं नीचे ही दे दी हूँ। ऊपर जाकर छत के ऊपर दे दूँगी तो जो टेरिस के ऊपर दे दूँगी तो कौन सी टाइम बारिश आएगा खुद को भी पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि जो हमारा गच्छ है गच्छ की मूल से ही बारिश निकलता है, कहते हैं आषाढ़ और सावन महीने में ऐसे कहते हैं। पहले तो ऐसा ही होता था लेकिन आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है, सब उलट पलट हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। बारिश के सीजन पर बारिश नहीं है, गर्मी के सीजन पर गर्मी नहीं है, ठंडाई के सीजन पर ठंडा भी नहीं है। तो इधर बैंगन में ना थोड़ा सा कीड़ा लग रहा था, तो कीड़ा मारने वाला जो दवा है ना उसको एक बोतल में पानी भरकर उसको स्प्रे कर रही थी दोपहर को। ये हो गया था 12:30 से ऊपर हो गया था उस टाइम में दे रही थी, क्योंकि धूप भी हो रहा था ना, दे दूंगी तो सारे कीड़े वगैरह सब मर जाएंगे और हम अच्छा अच्छा बैंगन लेकर आएंगे, मतलब लेकर खाएंगे। इधर देखिए उसके बाद सो गई थी खाना खाकर और इवनिंग में चाय पीने के बाद झाड़ू वगैरह सब लगा रही थी। मैं झाड़ू लगा रही थी तो माँ चली गई धान को रखने के लिए बोरे में, मतलब गोनी में, प्लास्टिक की गोनी में रखने के लिए गई थी। तो ये देखिए कैसे भर रही है, गर्मी हो रहा था, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है लेकिन माँ तो कर लेती है, उसका धूल भी नहीं उड़ रहा है, नीचे बैठ कर ही ये कर रही थी। देख उत्पादन
चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।